माशाल्लाह सिगरेटी सा मुस्कुरा रहे हैं। मैं सिवान जिले में प्रोग्राम कर रहा था, ये जिला छपड़ा है ना, मैंने सिवान में था, वहाँ के लोग भोजपुरी कम समझ रहे थे। मैंने एक शेर कहा था जो बहुत तेजी के साथ रजवी दुल्हा यूट्यूब पे वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा, मैंने बहुत सारे जवानों के स्टेटस पे भी देखा, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक के स्टेटस पे इस भोजपुरी शेर को लगाया था। मैंने सबको मुबारकबाद दी, अल्लाह सबको सलामत रखे, मुझसे मोहब्बत दिए, मोहब्बत का उन लोगों ने जज्बा दिखाया। तो मैंने वहाँ कम लोग समझ रहे थे, तो मैंने एक शेर भोजपुरी में कहा था कि काश कोनो ऐसन पलान आई। सिगरेटी साहब बैठे हैं, आप सुने, बिल्कुल आपके जुबान में बोल रहा हूँ यार, आप मुस्कुरा के तो कुछ कह दें, कुछ भी कह दें। माशाल्लाह जुबाने नहीं बोल पा रही है आपकी, तो सर हिला दे ताकि लगे कि हम बेदार बैठे हैं। माशाल्लाह जब तक बैल बेदार रहता है ना, सर हिलाते रहता है ना, लेकिन हम इंसान हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक मर्तबा कह दे या हुसैन, माशाल्लाह वो रंग लाए जो पहले था। बारिश को देखा, मैंने एक शेर कहा था कि नूह के दौर में दिल खोल के बरसा पानी। आप लोग दुआएं दे दे, मैं इंशाल्लाह रंग में आ जाऊंगा, हमारी पब्लिक भी रंग में आ जाएगी। सिगरेटी साहब बैठ गए हैं नीचे, इंशाल्लाह सपोर्ट भी सब कोई सबरे गए। एक बार कहते या हुसैन, माशाल्लाह इस बारिश की जरूरत तो करबला के मैदान में थी, लेकिन ये बलेसरा में आज बारिश अल्लाह ने दिया। फिरोज रजवी के जहन पे एक शेर आ गया कि नूह के दौर में दिल खोल के बरसा पानी। हमारे मामुद्दीन भाई मेहनत में लगे हैं, शेर को आप कैच कर लीजिए, इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सुनाइएगा। फिरोज रजवी एक शेर बलेसरा के धरती पे पढ़ा था जहाँ हंगामा हो गया था, कि नूह के दौर में दिल खोल के बरसा पानी, करबला में एक बूंद भी ना बरसा पानी। नूह के दौर में दिल खोल के बरसा पानी, करबला में एक बूंद भी ना बरसा पानी। और लोग कहते थे कि प्यासे थे हुसैन, अरे सच तो ये है लबे हुसैन को तरसा पानी। लोग कहते थे कि प्यासे थे हुसैन, सच तो ये है लबे हुसैन को तरसा पानी। मैं चाहता तो हजारों शायरी करबला शरीफ के हवाले से पढ़ सकता हूँ, लेकिन बड़ी तेजी के साथ खूबसूरत और कीमती लहजा है, बिल्कुल हीरे और सोने चांदी से भी कीमती लहजा मोहतरम जमील अख्तर तूफानी बरनूर पे जलवागर है। आइए जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान मोहतरम जमील अख्तर तूफानी साहब का इस्तकबाल करता है, उस तरीके से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, माशाल्लाह। थोड़ी सी और मेहनत करते, मेरे लिए नहीं, इससे फिरोज रजवी को फायदा नहीं होगा, मोहतरम जमील अख्तर तूफानी को फायदा नहीं होगा, अल्लामा बाबा धर्मपाल सलामुद्दीन को फायदा नहीं होगा, इससे आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होगा। फिरोज रजवी एक शेर कहता है कि कोई लीडर ना कोई सिपाही देंगे, कोई लीडर ना कोई सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। और नामे हुसैन पे उठाता था हाथों को, बरोजे हश्र फरिश्ते भी गवाही देंगे। तो नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चार मिसरों से बुलाऊंगा कि कौन कहता है कि मनमानी नाक पढ़ते हैं, खुदा के फजल से लासानी नाक पढ़ते हैं। लोग कहता है कि पढ़ रहा है जन्नती शायर, जब किसी महफिल में जमील अख्तर तूफानी नाक पढ़ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए उलमाए इकराम का काफिला आ रहा है, माशाल्लाह आप इन लोग के चेहरे का दीदार इंशाल्लाह ताला, एक बाद दीगर सबसे आपको मुस्तफीज होना है। मुल्क के मशहूर दीप खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा पीर तरीकत रहबर राय शरीयत गुले गुलजार अशरफियत खलीफे हुजूर सुभान मिल्लत हसन इमाम अशरफी साहब की आमद हुई है, साथ ही साथ एक खूबसूरत लहजा मोहतरम हसनैन रजा नूरी की भी आमद हुई है, और दीगर उलमाए इकराम तशरीफ लाए हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता, आप इन लोग से मुस्तफीज होंगे। के बाद दीगर उससे पहले मोहतरम जमील अख्तर तूफानी की